हेलो दोस्तों, अगर आप टी शर्ट पे ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह आप प्रिंट करके अपनी टी शर्ट पे किसी भी सेल कर सकते हैं या अपने खुद के लिए टी शर्ट पे प्रिंट कर सकते हैं। इसको करना क्या है, आपने इस तरह उल्टा नहीं करना है। देखो, मैंने उल्टा लगा लिया है तो मेरा नाम उल्टा हो गया है। आपने घुमा के करना है। मैं आपको इसका लिंक और इसको कटिंग करने का तरीका अगली आ रही वीडियो में बता रहा हूँ, जो आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखना है। ये देखो, मैं टी शर्ट पर प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह मैंने मशीन में रेडी कर लिया है इसको। तो आपको करना क्या होगा, ये प्रिंट को मैंने सीधा रखा था, आपने सीधा नहीं रखना है। सीधा करने के कारण मैंने इस प्रिंट को अपने जो मेरा नाम है वो भी उल्टा हो चुका है। और इसको पूरा टाइट कर लें ताँ जो आपको ये देखें, ये देखो ये मेरा प्रिंट हो चुका है और ये मेरी टी शर्ट रेडी हो चुकी है। ये मेरा प्रिंट है और इस तरह आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं। मैंने पूरी हीट नहीं दिया, नहीं तो बिल्कुल डार्क होता जी। आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी साइट पे जाके जवान मूवी का कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लें। पिक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि मैंने जवान मूवी का जो मेन थंबनेल है, जो मेन ही उनकी प्रोफाइल पिक है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। उसमें से आपको सेलेक्ट में जाके इसको सब्जेक्ट अपने करते हैं तो आपको सेलेक्ट कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप वो सेलेक्ट कर लेगा जो आपको चीज़ कटिंग करनी है। जैसे आपने ये फ़ोटो को सेलेक्ट करना है तो आपको इसको कॉपी कंट्रोल सी वी से कॉपी कर लें, तो आप इसको फाइल में जाके भी कॉपी कर सकते हैं। तो सॉरी, एडिट में जाके कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करके आपने उसके बाद क्या करना है कि जो नीचे वाली पिक है उसको आपने वाइट कर लेना है, तो आपको पता लग जाएगा कि देखो कटिंग हो चुकी है। तो इसके बाद आपने इसका एक और कॉपी बनाना है जो ऊपर की लेयर है हमारी, जो कटिंग फोटो है जिसको हम बनाना चाहते हैं लोगो। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा डार्क करना है लोगो स्टाइल से, जैसे आप प्रिंट करते हैं। अभी आप जल्दी मत करें कि वीडियो काटने की, वीडियो ऐसे नहीं, आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। तो कई बंदे ऐसे करते हैं कि आधी छोड़ के ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये देखो, दोबारा लेयर पे मैंने पूरा डार्क कर दिया है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ से वहाँ दो प्रिंट में कलर नहीं आएंगे, डार्क पन नहीं शो होगा, वाइट आएगा तो प्रिंट अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए हमने दूसरी फ़ोटो पे डार्क करके जहाँ जहाँ से वो प्रिंट प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ वहाँ से हम ऊपर वाले प्रिंट को रखेंगे। ये देखो, मैंने उसके बाद इरेज कर दिया है। अभी हम इरेज टूल लेके हल्का सा नीचे से रिमूव कर देंगे ताकि ये प्रिंट थोड़ा सा अच्छा लगे। मैं आपको ये जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बना हुआ दे दूंगा, आप इसको जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टी शर्ट पे प्रिंट कर सकते हैं। मैं उसका PNG फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको ऐसा लोगो बनाने का तरीका और भी मैं बता सकूँ।